नमस्कार दोस्तों, मैं हूं करनेश कौशल और आपसे एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है मेरे YouTube चैनल में। तो दोस्तों, आज आप लोगों को सिखाने वाले हैं कि जैसे पहाड़ी एरिया पे गाड़ी को कैसे चढ़ाया जाता है। अक्सर क्या होता है दोस्तों, जब हम लोग गाड़ी को चढ़ाते हैं और उस वक्त अगर गाड़ी बंद हो जाए या पीछे कोई गाड़ी खड़ा है या आगे गाड़ी खड़ा है, तो जैसे हम लोग फिर से पहला गियर लगा के गाड़ी को आगे बढ़ाना चाहते हैं तो हमारी गाड़ी क्या होता है, पीछे की ओर जाने लगता है। टॉपिक वाइज आप लोग बात करेंगे कि गाड़ी को किस तरह से प्रॉपर तरीका से बढ़ाएंगे कि गाड़ी जरा से भी पीछे ना हो। तो दोस्तों, इससे पहले भी मैंने एक वीडियो बनाया था कि हाउ टू ड्राइव कार इन अपहिल एरिया, तो उसमें मैंने हैंडब्रेक का यूज करके भी बताया था कि हैंडब्रेक का कैसे इस्तेमाल करना है मतलब पहाड़ी एरिया पे। लेकिन क्या होता है, जैसे जैसे आप एक्सपीरियंस होते जाइएगा उस वक्त आप क्या कीजिएगा, हैंडब्रेक का यूज मत कीजिएगा। उससे क्या होगा कि आप मतलब कन्फ्यूजन हो जाइएगा। इसलिए मैं आपको बताना चाहता हूँ कि बिना हैंडब्रेक का सिर्फ आप क्लच और ब्रेक से ही कैसे गाड़ी को उठाया जाता है हिल एरिया पे। तो चलिए दोस्तों, उसी टॉपिक पर यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इस जगह पे लाया गाड़ी को चलाने के लिए, और ये एक्चुअली बहुत ही ज़्यादा ऊंचाई पे है, जगह इस तरह से ऊंचाई पे है। अभी हम गाड़ी को न्यूट्रल करेंगे तो बिल्कुल गाड़ी हमारा पीछे जाने लगेगा। और दोस्तों, अगर आप लोग पुराना वीडियो को देखना चाहते हैं तो इस आई वाला बटन पे जाके आप लोग देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, आप लोग देख सकते हैं कि गाड़ी अभी बिल्कुल बंद है और पहला गियर पे गाड़ी डाला हुआ है और हैंडब्रेक लगा हुआ है। तो इस वक्त क्या हुआ, गाड़ी हमारा बिल्कुल पीछे की ओर नहीं जाता है, लेकिन जैसे गाड़ी को हम बढ़ाना चाहते हैं तो क्या होता है, गाड़ी हमारा पीछे की ओर लुढ़कने लगता है। तो चलिए, आज आप लोग को हम बिना हैंडब्रेक का इस्तेमाल करते हुए बताएंगे सिर्फ गियर और क्लच का यूज करते हुए तो कैसे बढ़ाना है कि गाड़ी आपका जरा से बिल्कुल पीछे ना जाए। तो वही चीज आप लोग को सिखाने वाले हैं दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले गाड़ी को हम स्टार्ट कर लेते हैं। तो क्लच दबा के स्टार्ट किया गाड़ी को हम, ठीक है। देख सकते हैं यहाँ पे पहला गियर डला हुआ है और हैंडब्रेक लगा हुआ है। अभी हम ब्रेक को छोड़ देते हैं तो हमारा गाड़ी देख सकते हैं स्टेबल है, मतलब बिल्कुल पीछे की ओर नहीं गड़क रहा है। देख सकते हैं गाड़ी दिख रहा है इधर। तो चलिए अब क्या करते हैं, हैंडब्रेक को डाउन करते हैं। तो जैसे ही देख सकते हो दोस्तों, जैसे हैंडब्रेक को डाउन किए, गाड़ी हमारा पीछे की ओर लुढ़कने लगा, गाड़ी मतलब पीछे की ओर जाने लगा, ठीक है। देखिए फिर से, जैसे ब्रेक अभी छोड़ देंगे तो पीछे की ओर गाड़ी लुढ़क रहा है, ठीक है। तो ये सब सिचुएशन में किस तरह से गाड़ी को आगे बढ़ाना चाहिए, इसे देखिए क्या होता है। अभी हम क्या किए थे, हैंडब्रेक को डाउन किए थे। तो हैंडब्रेक को डाउन करने से पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे अच्छी तरह से ब्रेक को दबा लेना है। देखिए ब्रेक को पूरा अच्छी तरह से दबा लिया हम, उसके बाद क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ पे हैंडब्रेक को हम डाउन कर लेंगे। तो अब देख सकते हैं दोस्तों कि गाड़ी अभी बिल्कुल पीछे की ओर नहीं जा रहा है। लेकिन दोस्तों, अक्सर क्या होता है, अब जब आप लोग क्या करते हैं, यहाँ पे गाड़ी को जिससे आगे बढ़ाना चाहते हैं तो गाड़ी या तो बंद हो जाता है या तो गाड़ी पीछे की ओर लुढ़कता है। तो देख सकते हैं कि अभी हम पीछे की ओर बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। हैंडब्रेक यहाँ डाउन है, ठीक है, और हम पीछे की ओर बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। देख सकते हैं जैसे पीछे की ओर बढ़ाने, पीछे गाड़ी हमारे बिल्कुल पीछे की ही ओर जा रहा है, ठीक है। चलिए और एक बार दिखाते हैं, देखिए गाड़ी बंद हो गया। अब अगर हम क्लच को छोड़े तो बिल्कुल हमारा गाड़ी बंद हो गया। तो दोस्तों, इस वक्त आपको क्या करना है, देखिए क्लच को तो पूरा अच्छी तरह से दबाए हम और पहला गियर लगा हुआ है, देख सकते हैं पहला गियर डाला हुआ है, और ब्रेक को भी बिल्कुल अच्छी तरह से दबाया, मतलब क्लच ब्रेक और पहला गियर तीनों चीज लगा हुआ है, मतलब क्लच को भी दबाया अच्छी तरह से, ब्रेक को भी दबाया अच्छी तरह से, और गियर भी लगा हुआ है फर्स्ट गियर में। अब यहाँ पे किस तरह से निकालना है गाड़ी को, सबसे पहले चीज आपको ध्यान देना होगा कि आपका गाड़ी सेकंड गियर पे नहीं होना चाहिए। इस सब जगहों पे सिर्फ गाड़ी पहला ही गियर पे रहेगा। तो पहला गियर डाल दिया हम, अब क्या करना दोस्तों, सबसे आसान तरीका बता रहे हैं हम। देखिए आपका ब्रेक पूरा अच्छी तरह से दबा होना चाहिए, ठीक है। अब यह क्लच को आप छोड़िएगा, क्लच को जैसे ही छोड़िएगा तो एक टाइम गाड़ी का ऐसा आएगा कि गाड़ी आपका साउंड करेगा। देखिए या तो लगेगा गाड़ी आगे बढ़ना चाहता है या गाड़ी थर 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 करेगा। तो देखिए मतलब जैसे हम क्लच को हाफ छोड़े तो गाड़ी थर 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 कर रहा है, मतलब गाड़ी आगे बढ़ना चाहता है। अब इससे अगर हम ज्यादा छोड़ देंगे तो गाड़ी हमारा बंद हो जा रहा है, ठीक है। तो मतलब मैं बताना चाहता हूँ कि एक ऐसा पॉइंट आपको चूज कर रहा है जो आप समझ सके कि गाड़ी हमारा आगे बढ़ना चाह रहा है, इससे अगर ज्यादा हम क्लच को छोड़ेंगे तो हमारा गाड़ी बिल्कुल बंद हो जाएगा। तो फिर से गाड़ी को स्टार्ट कर लेते हैं। तो देखिए अभी हम गाड़ी को, देखिए क्लच को छोड़ रहे हैं, ठीक है, ब्रेक को बिल्कुल दबा के रख रहा है, क्लच को छोड़ रहे हैं, और एक गाड़ी का साउंड आप लोग सुन सकते थर 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 आवाज कर रहा है। देखिए आप लोग सुन सकते हैं, देखिए फिर से आपको सुनाता है गाड़ी का आवाज। देखिए क्लच को जब हम हाफ से ज्यादा छोड़ेंगे तो थर 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 आवाज करेगा, देखिए। मतलब ये वाला पॉइंट ये है, यहां से अगर आप ब्रेक को छोड़ते हैं तो आपका गाड़ी बिल्कुल आगे बढ़ जाएगा, और जैसे ही आप ब्रेक को छोड़िएगा तुरंत आपको रेस लेना है, ठीक है, तुरंत आपको रेस लेना है, उसे देरी नहीं करना है। तो चलिए करके दिखाते हैं। जैसे सबसे पहले देखिए ब्रेक को अच्छी तरह से दबा के रखना है, क्लच को अच्छी तरह से दबा के रखना है। अब ब्रेक को पूरा दबा लिया है, अब क्लच को हम छोड़ेंगे, क्लच को छोड़े हम तो
तो पूरा नहीं छोड़ना, हाफ छोड़ना है। जैसे हाफ छोड़े हम, देखिए गाड़ी थर 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 आवाज कर रहा है। अब क्या करना है दोस्तों, पांव ये वाला जो हम ब्रेक को दबाए हैं जिस पैर से, देखिए गाड़ी थर 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 कर रहा है। अब तुरंत ये वाला पांव को, ठीक है, जिसमें हम ब्रेक को दबाया है, इसको तुरंत हटा के इसमें डालना है, ठीक है, तुरंत रेस पे डालना है। मतलब ब्रेक दबाए हुए हैं और यहाँ पे गाड़ी थर 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 आवाज कर रहा है, मतलब बिल्कुल आगे बढ़ना चाहता है। अब यहाँ से ब्रेक को छोड़ेंगे, तुरंत रेस को दबाना है, ठीक है। देखिए छोड़े, बस इस तरह से बढ़ाना है। मतलब एक बार यहाँ पे क्या करना है, हॉय करके गाड़ी आवाज करेगा, मतलब रेस लेगा, फिर रेस को पूरा दबा के नहीं रखना है, अगला गाड़ी को आप ठोक दीजिएगा। मतलब हल्का से रेस लेगा, फिर गाड़ी को रेस को छोड़ देना है। तो दोबारा आपको करके दिखाते, देखिए गाड़ी आवाज कर रहा थर 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 थर, ठीक है। अब यहाँ से तुरंत ब्रेक को करे ना, ठीक हो, फिर से ठीक हो। तो देखिए दोस्तों, अभी हम क्लच को छोड़ेंगे हाफ और तुरंत रेस को लेंगे, तो गाड़ी यहाँ से बढ़ गया बिल्कुल। देखिए आप लोग देख सकते हैं कि गाड़ी बिल्कुल जरा से भी पीछे नहीं हुआ, मतलब परफेक्ट आसानी से हम गाड़ी को बढ़ा लिए। फिर रोकना हो गाड़ी तो क्या करना, क्लच दबा के ब्रेक दबा देना है। तो ये रहा दोस्तों बिल्कुल आसान तरीका गाड़ी को कैसे बढ़ाया जाता है ऑफ-व्हील एरिया पे। तो दोस्तों आप लोगों ने देखा कि मैंने कार को बिल्कुल अच्छी तरह से गाड़ी को आगे की ओर बढ़ाया, मेरा गाड़ी बिल्कुल जरा से भी पीछे नहीं हुआ। तो क्या रीज़न है कि दोस्तों कि गाड़ी बिल्कुल आपका पीछे नहीं आओ, तो इसका सिर्फ सिंपल सा फॉर्मूला है दोस्तों। आपको ब्रेक को अच्छी तरह से दबा के रखना है, क्लच को भी दबो दबा रहेगा और पहला गियर डला हुआ रहेगा, ठीक है। उस वक्त आप क्या कीजिए, क्लच को आप छोड़िएगा, क्लच को पूरा नहीं छोड़ना है, पूरा छोड़ने से गाड़ी का क्या होता है, बंद हो जाता है। तो ब्रेक को दबा के रखना है और क्लच को हाफ छोड़िएगा। जैसे हाफ छोड़िएगा तो आपको गाड़ी का एक वाइब्रेशन सा साउंड सुनाई देगा, या पेट्रोल गाड़ी है तो थर 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 आवाज करेगा, डीजल गाड़ी में ज़्यादा करता है, लेकिन पेट्रोल गाड़ी में थोड़ा सा साउंड कम रहता है, ठीक है। तो आप महसूस कर लीजिए कि गाड़ी हमारा आगे बढ़ना चाहता है या गाड़ी का साउंड थोड़ा चेंज हो रहा है, तो उस वक्त क्या कीजिए, तुरंत ब्रेक से पाँव हटा के तुरंत एक्सेलेटर पर दबाना है, मतलब रेस पर दबाना है पाँव को, और रेस को क्लच को पूरा छोड़ना नहीं है उस वक्त। उस वक्त आप जितने जितने रेस लीजिएगा उस वक्त धीरे धीरे क्लच को छोड़िएगा। और एक सिंपल सा प्रोसेस ये होता है कि दोस्तों देखिए, जितना आप रेस लीजिए कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप क्लच को कंट्रोल में रख पाइएगा तो उस समय भी आप गाड़ी को बिल्कुल अच्छी तरह से बढ़ा सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा, पसंद आया तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।